वाले देश के सबसे छोटे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तीरंदाज अर्जुन सिंह इन दिनों अपने अभ्यास को लेकर काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जिस फ्लैट में अर्जुन सिंह रहकर अपने तीरंदाजी खेल का अभ्यास करते हैं, उसी फ्लैट में रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने अभ्यास करने वाली जगह पर ताला जड़ दिया है, जिसके कारण अब अर्जुन सिंह लगभग एक महीने से तीरंदाजी खेल का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके घर वाले भी काफी चिंतित हैं। इस संबंध में अर्जुन सिंह व उनके पिता एसएसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मांग की है कि अर्जुन के अभ्यास वाली जगह को पुनः खुलवाया जाए, ताकि अर्जुन पहले की तरह अपने अभ्यास को पूरा कर सके और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा सके। बाबू, क्यों आप यहाँ पे आए हो, क्या दिक्कत है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। कुछ लोग मेरे आर्चरी खेलने से परेशान है और कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मेरी विनती है कि योगी अंकल और मोदी अंकल मेरी मदद करें। क्या खेल? मैं आर्चरी खेलता हूँ। कब से आप नहीं खेल पा रहे? एक साल से। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं अर्जुन का पिता हूँ। मेरा बेटा अपने देश का सबसे छोटा तीरंदाज है, सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, जिसने देश के लिए इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेके आया है। हमारे अपार्टमेंट में ये पिछले चार साल लगभग हो गए जिसे ये प्रैक्टिस करता था बिना किसी को क्षति पहुँचाए। अब वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने जानबूझ करके जहाँ यह प्रैक्टिस करता था उस पर ताला जड़ दिया है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, काफ़ी समझाने के बाद भी वो ताला नहीं खुल रहा है। कभी वो दे देते हैं कभी चाबी, मतलब एक तरह से दया दिखा देते हैं कि अच्छा जाइए प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कभी लेकर के चाबी वो कहीं और चले जाते हैं, कहेंगे अब आएंगे तब देंगे। मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर मजबूर होकर के हमको आज एसएसपी साहब के यहाँ अप्लीकेशन देना पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि सर न्याय करेंगे और मेरे बेटे के लिए जो भी उचित कार्रवाई होगा, जितनी सहायता होगी वो करेंगे। कितने दिन से प्रैक्टिस बंद है? लगभग एक महीने से। एक्चुअली हिसाब से रूटीन रहता था प्रैक्टिस का, कैसे करता था? देखिए, सुबह 4 बजे भोर में बिल्कुल उठ जाता है, इसके बाद ये अपने अपार्टमेंट के टेरिस पे जाके रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, इसके बाद ये तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता था। शाम को भी यही रूटीन होता था। एक्चुअली इसका इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए थे, उसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश कर रहा था, जो कि 29 मार्च को ही होना था, लेकिन लॉकडाउन लग गया 22 मार्च के आसपास, इसकी वजह से ये नहीं कर पाया। अब थोड़ी सी ढील मिली है तो हमने फिर से प्रैक्टिस पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट की, ताकि जब नॉर्मल हो माहौल तो हम वो कर सकें। लेकिन अब ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इस तरह का निम्न कृत्य किया है। प्रैक्टिस ना होने से कितना नुकसान असर पड़ रहा बच्चे के? प्रैक्टिस नहीं होने से, आर्चरी ऐसी चीज़ है कि हर दिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, एक दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो वो 3 दिन पीछे जाता है। और अभी तो ये बच्चा है तो इस हर मौसम में, ठंडी बारिश हर मौसम में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अभी काफ़ी दिक्कत हो रही। एक तो बारिश की वजह से, वैसे ही बारिश जब बंद होती थी तब हम प्रैक्टिस कर लिया करते थे, लेकिन अभी ये नया ताला बंद करने की वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है और परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब होने लगा है इसका। पिता के साथ पहुंचे तीरंदाज अर्जुन सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह उसकी मदद करे, ताकि वह देश का नाम रोशन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज अर्जुन सिंह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेडल भी हासिल कर चुके हैं।